समझन की लोड़ है कि सचमुच 9000 रुपये क्विंटल मिलेगी, इनू विचार दे आप। जो इन कारपोरेट ने पैदा करना है ना, जो सा जमीन चली गई कारपोरेटा के कब्जे के ठेकिया जमीन उन्होंने लैनिया तो असं जमीन तो राहत हो गए, उस तो अगे जो प्रभाव पैने उन्होंने आप गल करा। कि कंपनी अगर सानू 40,000 रुपया ठेका दिंदी है तो इतने दो गल्लां होणगियां, जिदे सानू 40,000 रुपया कंपनी ने ठेका दिता उदे दो गल्लां पूरियां होणगियां। की गल्लां पूरियां होणगियां? दो वायदे साडी भारत सरकार मोदी जी की सरकार दो धिरां नाल वायदे पूरे करेगी, साडे नाल वायदा यह पूरा करेगी कि फिर मोदी जी का वायदा पूरा हो गया कि जो कह रहे थे असं आमदन दुगनी करांगे, तो तुसी सारे कहोगे हाँ भाई मोदी जी ने वायदा पूरा किया। आ गल तुसी भुल जाओगे कि एक दिन साड़ी पहली जमीन का ठेका 60,000 सी, 60,000 तो घटा के 40,000 से आए, तो दिमाग च नहीं आना। होर तरह की बहुत तरह की सब संभाल के चार्जिज पैने हैं, तो जी अज 3200 साढ़े किसान पै रही है उदों जो व्यापारी के हाथों के लंघ के पैदा होकर आई मेरे प्यारे उदो यदा लगभग जो लागत मुल है बीमारा इलाज भी करवाना है, घरे कपड़े भी पाने हैं, कोई मकान भी खड़ा करना है, बच्चे की शादी भी करनी है, नौजवान धी की शादी भी करनी है, जो सारा कुछ करना साडा सिर ते हजे मगर खड़ा होगा। उस वेले फिर एक समा साडी मन करेगा कि हुण सानू रोजी रोटी कमाउण लई वखरा होर कोई कारोबार करना चाहिए, की होगा वह होगी मजदूरी। किसान दोस्तों, जो आपां कल गलबात कीती सी उहदे विच इह गल आई सी कि जिहड़े इह साडे खेती कानून जिन्हां दी खातर असीं लड़ रहे हां उहनां कानूनां दा साडे ते प्रभाव की पैणा, साडे ते असर की पैणा। मैं एक गल कह के कल गल मुका दित्ती सी कि सानूं कणक लगभग 9,000 रुपये क्विंटल मिलेगी आम लोगों को। हुण इहनूं समझण की लोड़ है कि सचमुच 9,000 रुपये क्विंटल मिलेगी, इहनूं विचार दे आपां। साडा अज दा जिहड़ा सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम दे विच जिस ढंग दे नाल अज किसान खेती करदा है, अज एक क्विंटल कणक पैदा करन ते 3200 रुपया खर्च आ रहा है, यह साडे किसान दा रहा है। लेकिन किसान तो अगे जो इन कारपोरेट ने पैदा करना है ना, जो सा जमीन चली गई कारपोरेटा के कब्जे के ठेकिया जमीन उन्होंने लैनिया तो असं जमीन तो राहत हो गए, उस तो अगे जो प्रभाव पैने उन्होंने आप गल करा। उस वेले मेरे दोस्तों ये जी फसल है जो उन्होंने जमीन के कणक आप बीजिया फसल आप पैदा कीतिया तो साढ़े नालों जी उन्होंने लागत है कितने वध साबित करे। क्यों? क्योंकि असी खेत को गेड़ा मारते असी नोट नहीं करते, असी निक्किया मोटिया गल्लां दी कोई परवाह नहीं करते। लेकिन जिहड़ा व्यापारी है, व्यापारी तो हर गल नोट करेगा ना कि आ साडे सुपरविजन चार्ज है, तो सुपरविजन तो खेत की रोजाना दो बारी करनी पैंदी है, वह चार्ज भी पैने। फिर ये उत्ते जिहड़ी है साडी प्रोसैसिंग चार्ज पैने, फिर ये उत्ते साडे पैकिंग चार्ज पैने, फिर ये स्टिचिंग चार्ज पैने, फिर ये वेट करना, फिर ये मतलब लोडिंग चार्ज पैने, अनलोडिंग चार्ज पैने, तो स्टोरेज चार्ज पैने। होर तरह की बहुत तरह की सब संभाल के चार्जिज पैने हैं, तो जी अज 3200 साढ़े किसान पै रही है उदों जो व्यापारी के हाथों के लंघ के पैदा होकर आई मेरे प्यारे उदों यदा लगभग जो लागत मुल है वह 4500 रुपए के लगभग होगा। तो जो उन्होंने व्यापारियों ने लागत मुल 4500 रुपया शो किया और कानून उन्होंने लगभग डेढ़े तो दुगला रेट लैन की इजाजत दिता है, तो यह अंदाजा ला के वेखो कि कणक का तुम्हें लगता नहीं, थोड़ी समझ नहीं आ रही गल कि सचमुचे कणक है जी 9,000 क्विंटल जाएगी। हुण सवाल इस गल का है कि असी इस किस गल तो लड़ाई किस गल से लड़ रहे हैं, किसान की दर्द है इस गल का। एक कानून है जिहड़ा किसान मजदूर आम खपतकार प्रभावित करेगा, और जिहड़ी असी किसानी केवल कल्ली किसानी की गल करिए इहदे ते नोट करन वाली गल यह है कि मेरे प्यारे वीरो जो किसान दे कोले अज एवरेज जमीन जे कढ़ी दी है ना 5 एकड़ एक परिवार की जमीन निकलती है, अगर सरकार सानू 40,000 रुपया ठेका भी दे दिंदी है, सरकार ना कंपनी की मैं गल कर रहा, गल नोट कर लो दोबारा दुरुस्त कर लीए कि कंपनी अगर सानू 40,000 रुपया ठेका दिंदी है तो इतने दो गल्लां होणगियां, जिदे सानू 40,000 रुपया कंपनी ने ठेका दिता
उद्दे दो गल्लां पूरियां होणगियां। की गल्लां पूरियां होणगियां? दो वायदे साडी भारत सरकार मोदी जी की सरकार दो धिरां नाल वायदे पूरे करेगी। साडे नाल वायदा यह पूरा करेगी कि किसानां दी आमदन वधी, डबल होई जां नहीं, क्यों डबल किवें शो करेगा। जदों मेरे दोस्तों अज साडी जमीन का ठेका जिहड़ा ਉਹ ਲਗਭਗ 50-60 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਜ 1888 ਰੁਪਏ ਵਿਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਸਾਡਾ 800 ਤੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਸਾਡੇ ਠੇਕੇ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਠੇਕਾ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਠੇਕਾ 18-20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੇ ਆਇਆ ਔਰ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕਾ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨ 2022 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰ ਦੂੰਗਾ, ਕੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 1800-1800 ਹਜ਼ਾਰ ਵੜਦੇ ਇੱਕਦਮ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਗਏ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛੂਗਾ ਕਿ ਦੱਸੋ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਅੱਜ ਕੀ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆਈਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੀ ਤਾਂ 40-40 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਹ ਪੁੱਛੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਿ ਕੀ ਫਿਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹੋਗੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕਾ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀ, 60 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣਾਊਗਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ 'ਚ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਵਾਇਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਜੋਗੜੇ ਦਾਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਹੀ ਨਾ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦਾਣੇ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁੱਲ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਠੇਕੇ ਦੀ ਰਕਮ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੀ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਖਾਧੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 18-20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ 20 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ 9 ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਲਓਗੇ, 1,80,000 ਰੁਪਈਆ ਮੁੜ ਦੁਬਾਰਾ ਅਡਾਨੀ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਕੇਵਲ ਖਾਣ ਜੋਗੜੇ ਦਾਣੇ ਆ। ਹੁਣ ਖਾਣ ਜੋਗੜੇ ਜਦੋਂ ਦਾਣੇ ਆਉਣੇ ਆ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਦਾਣੇ ਖਾ ਕੇ ਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਭਰਨੀਆਂ ਹੈ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਘਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਪਾਉਣੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਵੀ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਧੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰ 'ਤੇ ਹਜੇ ਮਗਰ ਖੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਉਹ ਹੋਏਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1951 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇਸੇ ਗੱਲ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਖੇਤੀ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਛਡਵਾ ਕੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਡਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਬਾਨੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸਸਤਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅੱਜ ਲਗਭਗ 55% ਲੋਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਨੇ, ਇਹ 55% ਲੋਕ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਏ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕੇ ਅੱਜ ਜੇ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ 100-125 ਰੁਪਏ 'ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਮੁੜ ਕੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਪਿਆਰੋ, ਅੱਜ 300 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧੀ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਬਸ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਾਪ 300 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੱਜਣੋ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ 150 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਜਾਂ 125 ਰੁਪਈਆ ਦਿਹਾੜੀ ਕਮਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ, ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਧੀ ਜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੌਸਲੇ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ, ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ, ਲੜਕੀ ਦੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਮੇਰੀ ਧੀ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਤਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਚਾਚਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਬਾਬਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਧੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਤਾਇਆ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਥਾਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
अमीर लोगों ने और विदेशी लोगों ने कब्जे च होगा। और जो वो होया उदो फिर साढ़े थां थां के उत्ते साड़ियां बेटियां साड़ियां धीआं दे नाल हाथरस वर्गियां घटनावां दा इस हालात को कंट्रोल करने के लिए सानू लोड़ है इस अंदोलन को तकड़ा करने की। सानू अज लोड़ है कि इस अंदोलन इन्ना तकड़ा कर लीए कि इहदे ते सरकार नू हर हाल दे विच आर पार की लड़ाई देईए कि असी पिछे हटाने हटाना चाहे कुछ भी हो। मैं पहला गल की सी जो आप कल गल करते कि साढ़े सिर करजा इन्ना बढ़ जाएगा करजे दियां पंडा हो जाएगियां जिहड़ियां साडियां आने वाली नस्लों साढ़े बच्चे उतार नहीं सकेंगे। और वह जिहड़ा करजा पंज गुणा जिन्ना अज साढ़े सिर करजा है ना ये तीन सालों के पंज गुणा करजा होगा। अपने आप अपने अपने करजे को आप निगाह मार लू कि तुहाडे सिर किन्ना करजा है और पंज गुणा होगा। जो पंज गुणा करजा साडी औलाद नूं असीं दे के जावांगे असीं आपदे पोतरे नूं जमीन तो असी कारपोरेट के कब्जे च करवा करती है और पोतरे नूं की छड़ता कि यह जिहड़ा तेरे सिर 20 लख का करजा है तेरे सिर है ये तू उतार ला और असीं चले जावांगे। हुण पोतरा करजा किवें उतारेगा जमीन तो तुसीं कारपोरेटां दे कब्जे च हो चुकी है और वह करजा वह साडे पोतरे की मौत का कारण बनेगा खुदकशी का कारण बनेगा। इस करके असीं चाहुंदे आ कि इस लड़ाई नूं तकड़े होकर लड़िए सानू साडे पोतरे बचाने जरूरी है। अज असीं जिन्ने बजुर्ग फिरदे आ अगर असीं सारे जने तकड़े होकर लड़ाई लड़िए की होएगा ज़्यादा तो ज़्यादा सरकार साडे गोलियां मार सकदी है इस तों वध होर कुछ नहीं कर सकती। अगर साडा 10 20 30 50 100 बंदा शहादत पा जांदा है तो असीं पूरे देश के दे गलों ये गुलामी ला जाने और पूरे देश के दे किसानों की जमीन बचा जाने तो उहदे विच साडे पोतरे की जमीन भी बचेगी। साडी ये शहादत साडे बजुर्गों की शहादत ये मुल तारेगी कि सानू मतलब साडे बच्चों दी जिंदगियां साडे बच्चे जिंदे रहणगे साडियां नूहां ते धीआं बेइज्जत नहीं होणगियां। सो इस करके ये लड़ाई है जिहड़ी ये लड़ाई एक दी नहीं रही ये लड़ाई साडी सब दी है। मैं बेनती कल भी कीती सी ते अज भी करदा कि मजदूर वीरों जदों एकदम मजदूरों की गिनती वधी तां फिर मजदूरी का रेट घटना है। आपां सारे जदों मजदूर बणांगे मजदूरी का रेट घटना है ते जदों मजदूरी का रेट घटिया उदों जीवन पद्धर का तुसीं अंदाजा ला के वेखो तुहाडे भी जीवन पद्धर ते कितना प्रभाव पवेगा। और कणक जिहड़ी है आ जिहड़ी अज सानूं सरकारां मुफ्त जां फ्री जां 2 रुपए किलो का अनाज दे रही हैं जो सरकार की यह पॉलिसी खत्म हो गई कि असी कणक खरीदनी नहीं FCI कणक खरीदने तो ही भज गई और रही ना होने दे विच तो उस वेले मेरे दोस्तों ये तुहानूं फ्री कणक किसी ने नहीं देनी। आ जिहड़ा इहनां दा बिजली एक्ट आ रहा है ना उहदे विच साडी फ्री बिजली साडी किसानां दी फ्री बिजली खत्म की जा रही है तो जी तुहानूं सहूलत दी जा रही है वह भी फ्री की जी सहूलत वह भी खत्म की जा रही है। लड़ाई इस गल की है आपां सारयां नूं मोढ़े नाल मोढ़ा जोड़ के लड़न की लोड़ है सारयां नूं एकता बना के लड़न की लोड़ है। सो इस करके पूरे देश तो सहयोग मिल रहा है दुकानदार वीरां ने इस लड़ाई में सहयोग दिता समझ गए हैं। लेकिन मैं बाकी भी वीरां नूं बेनती करूँगा जिन्हें कि घरें बैठे ने वह सारे तकड़े होवो हमला मारो इस लड़ाई में जितने वास्ते साडा सहयोग दिओ। ये साडा नहीं है पूरे देश की लड़ाई है ये समझ लो कि एक दोबारा अंदोलन है दोबारा देश की आजादी का अंदोलन है। मैं आजादी का अंदोलन क्यों कहा है क्योंकि मेरे मित्रों इस अंदोलन ने एक होर बड़े अंदोलन की वल नूं सेध कर सिद्ध होना है। वह की अंदोलन है कि ये जिहड़े कानून आए ने यह गैट के विचों निकल के आए हैं। अगर असी गैट नूं चैलेंज नहीं करांगे तो दो रावां नहीं आने वाले समय के हिंदुस्तान मुड़ दोबारा गुलाम होएगा। देश नूं अगर आजाद रखना है अज वाली लड़ाई में असी कामयाब होइए इस लड़ाई के उत्ते और आने वाली जी अगली लड़ाई है वो ये लड़ाई लैके चलीए कि चाहे कुछ भी हो भारत सरकार गैट चो बाहर आए। जो भारत सरकार को असी गैट चो बाहर कढ लिया तो समझो देश आजाद रहेगा नहीं तो इत्थे कारपोरेट कंपनियां ने जो आके कब्जा किया तो फिर जिहड़ियां निक्के दुकानदार ने तुसी देख रहे हो बड़े बड़े जिहड़े मॉल ने ना वह निक्के दुकानदारां नूं अज खा रहे ने। जिस दिन पिछे असी बंद किया रिलायंस के मॉलों के उत्ते लोगों ने प्रोटेस्ट किए उन्होंने बंद किया उन्होंने विरोध होया तो छोटे दुकानदारों के चेहरे से खुशी आई से उस वे क्यों आई खुशी वो उन्होंने दोबारा फिर दुकानों का कारोबार चलिया। तो मेरे दोस्तों ये समझ की लड़ है कि साड़ी लड़ाई इन्हों कारपोरेटा के खिलाफ है असी जरा बार बार चारा कर ला रहे हैं कि एकजुट होवो सारे पूरे देश के दे लोगों असी अपील करा कि जेडे कारपोरेट लोग
अज साडियां जमीनां पूरे देश नूं हड़प्पण दा यतन कर रहे ने, तुहाडी सारी दी सारी कमाई तुहाडा मेहनताना हड़प्पण नूं फिरदे ने, उहनां दी इत्थे रोक लाओ, शुरू च ही रोक ला लो, तकड़े होके इन्हां कानूनां दे खिलाफ लड़ाई लड़ीए आपां। ते नाल दी नाल जिहड़ा जीओ दा सिम है इहदा डट के विरोध करो। विरोध करन दा तरीका की है कि इहदा बाइकाट करो, जियो का बाइकाट करो, रिलायंस का। साढ़े को जियो तो बगैर होर बड़ा कुछ है, होर सारे होर बड़ी कंपनियां के सिम यूज कर सकते हैं। असी रिलायंस तो पंपा तो तेल लैके पाना बंद करिए, अपने आप बंद करिए, पता लगे उस अडानी अंबानी कि लोग अंदरों साडा विरोध कर रहे हैं, लोग दिलों विरोध कर रहे हैं साडा, जो सानू बराबर पैरल तेल मिल रहा है, क्यों जाके अडानी अंबानियों को तेल पाने। इस तरह सानू अडानिया के अंबानिया के जो होर प्रोडक्ट ने, जो जिथे जिथे भी इन्होंने प्रोडक्ट साडे बाजार दे विच विक रहे हैं, सारिया का बाइकाट करो, ताकि साडा आपदा जिहड़े होर लोग ने, छोटे दुकानदार, छोटे इंडस्ट्रियलिस्ट ने, उन्हों का कारोबार चल सके। और नाल दी नाल इन्हां लोगों की आमदन घटे, इन्हां लोगों के व्यापार से सट वजे, जो इन्हां लोगों के व्यापार से सट वजनी है इन्हां लोगों ने अपने आप, क्योंकि व्यापारी सिर्फ पैसे का सोचता होंदा है, जो उन्हें पता लग गया कि भारत के लोगों ने मेरे इस इन्नी गल दे उत्ते विरोध करता, तो जे मैं दोबारा भारत के लोगों की जमीन वालों अख पट के चखूंगा तो जिन्ना कि मेरा व्यापार का धंधा चलता भारत के भी नहीं चल सकेगा। सो इस करके इस सारिया गलों ध्यान के रखद इस अंदोलन के साथ दौ। मैं पंजाब वाले वीर का, हरियाणे वाले वीर का, खास तौर के उत्ते इन दोहां स्टेटा का मैं इस गल धन्यवाद करदा कि इस तुसीं दोबारा इतिहास दोहरा रहे हो। देश की आजादी की लड़ाई के अपन 92% की पार्टी स्पेशल रही है। अज भी बड़ी खुशी होंदी है वेख के, भावें असी सानू कदे ये नहीं होया कि बाकी स्टेटा क्यों नहीं, बाकी स्टेटा लड़ रही हैं, सारिया अपनी अपनी थां ते लड़ रही हैं। मध्य प्रदेश वाले वीर एक रोड रोकी बैठे ने, वह भी रोकी बैठे ने, राजस्थान वाले ने, हरियाणे वाले तो अपना सॉरी गुजरात वाले ने आके मतलब एक रोड रोक ली, साढ़े यूपी के लोगों ने आके रोड रोकी बैठे ने, बाकी बाहरलिया स्टेटा के कर्नाटका केरला के अपनी अपनी थां ते विरोध हो रहा है, कर रहे ने। पर फिर मैं बेनती करा, बिना किसी भी तरह की कोई होमे कीतियां, होमे तो नहीं आना। अगर कितने भगत सिंह होरी ये होमे कर बैठते कि पंजाब लड़ाई लड़ रहा है, तो मेरा ख्याल देश आजाद ना होता। अज असी पंजाब वाले ने इस गल नूं दूर करके सारे नूं आपके कलाबे दे विच लैके चलना, और असी यतन कर रहे हैं कि सारे नूं कलाबे दे विच लैके यतन करिए, असी एकता बना के वड्डी एकता उसार के चलिए। यह दूसरी जिहड़ी आजादी की लड़ाई है, इहनूं सफल करना है, हर हाल दे विच सफल करना है। तुहाडे सहयोग की लोड़ है, थां थां तों जिहड़े लोग साडी गल सुणदे ने, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰੋ, ਵੱਡੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।